महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह समारोह आयोजित किया गया था और यह विवाह समारोह पिछले 3 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह समारोह आयोजित किया जाता है। गोंदिया शहर के राम मंदिर में रात 11 से 12 बजे के बीच दूल्हे की बारात निकाली गई और इस बार दूल्हे की बारात ढोल नगाड़ों नाच गाने के साथ साथ कई नजारों के साथ निकाली गई। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और पार्वती माता का विवाह समारोह हुआ था। इसी प्रकार गोंदिया में भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर और पार्वती माता का विवाह समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस विवाह समारोह में भगवान शिव शंकर अपने विवाह समारोह के लिए वर्दी आए थे, वैसे ही दूल्हे को भी उतार दिया गया। साथ ही इस व्रती में लोग नाचते गाते थे और हजारों लोग व्रती में शामिल होते थे। इसी तरह गोंदिया शहर के रामनगर स्थित राम मंदिर से दूल्हा रवाना हुआ और नगर भ्रमण कर वापस राम मंदिर पहुंचा। वही पत्नी पुत्री पार्वती माता को भी रीति रिवाज के अनुसार मंडप में लाया गया और जब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ तो हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष विवाह में शामिल हुए और विवाह करते समय विवाह पत्र उन पर छोड़ा और रीति रिवाज के अनुसार विवाह समारोह संपन्न हुआ। रामनगर परिसरात दर वर्षी 3 वर्ष झाले शिवरात्रि महोत्सव आनंदाने पार पाडले जाते आणि सर्व परिसर नागरिकांनी या कार्यात सहभागी होतात आणि असंच समोरी होत राहो आणि धर्मकार्य होत राहो जास्तीत जास्त प्रकारे हे प्रभुचरणी आमची इच्छा आहे। आगामी 3 सालों से यह शिवरात्रि का आयोजन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सभी के सहयोग से हमारे गोंदिया नगर परिवार, रामनगर परिवार, माँ नर्मदा भजन मंडल, श्री राम गौ सेवा समिति, श्री राम महाकाल भक्त परिवार, इन सभी के सहयोग से आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी रामनगर वासियों ने, आज शिव भैया हो, अजय भैया हो, इनके सभी साथियों ने मिलकर के एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन, एक धार्मिक आयोजन, महाकाल शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का आयोजन यहाँ पर किया। बहुत धूमधाम के साथ में, पूरे बारात के साथ में आज ये गाजे बाजे के साथ में शादी हुई और निश्चित तौर पर इस माध्यम से आज पूरे शहर में हम महाकाल भक्तों की, शिव भक्तों की आराधना पूर्ण करने का कार्य आज के इस अवसर पर हुआ है। इनकी आज के विवाह समारोह की मैं सभी को शुभकामनाएं। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।